समय कोरोना वायरस से पूरी दुनिया ग्रसित है और लॉकडाउन का आदेश प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, पूरे देश में लॉकडाउन का आदेश दिया, जनता से अपील किया था और जनता इस पर मान भी रही है। तो उसी की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों को सुविधा पहुंचाई जा रही है। यहाँ के यहाँ पर RSS के भी लोग हैं और मंदिर के समिति के लोग हैं जो यहाँ पर उन लोगों के लिए पैकेट फूड तैयार किया जा रहा है और उनको मदद पहुंचाई जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली से लोग पलायन कर रहे थे, अब उनके लिए यहां से कितनी मदद पहुंचाई जा रही है। इससे पहले भी RSS उन लोगों की मदद में उतरा था, साथ ही दवाइयों के साथ और भी कई सुविधाएँ उनको दी जा रही हैं। और यहाँ पर कई बड़े महात्मा भी आए थे अभी, जैसे कि आपने देखा, और ये जायज़ा ले रहे हैं कि कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कहां कहां पर ये जा रहा है। तो ये पूरी दिल्ली में जितने भी गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है लॉकडाउन से, उन लोगों के लिए यहां पर ये पैकेट फूड तैयार किए जा रहे हैं और उनको वहाँ ले जाकर वितरित किए जाएंगे। सेवा भारती RSS का ही एक संगठन है, एक विंग है, जिससे लोगों को सेवा की जाती है। सेवा भारती के लोग हैं जो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर भी मंदिर के समिति के लोग कुछ हैं और कुछ सेवा भारती के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। डालने के लिए टुकड़े जैसा लगेगा देखने में, वो पेटी उधर कर रहा है, बस वो ये फल कितना है, 30
जैसा कि आपने पूछा अभी कि ये जो अभी मंदिर के अंदर हमने देखा कि यहाँ जो भोजन बन रहा है ये पैकेट में डाला जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी देश के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो संगठन है ये सन 1925 से इस देश में शुरुआत इसकी परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी। तब से लेकर आज तक जब भी कभी देश के ऊपर आपत्ति आई है, कोई विपत्ति आई है, उस घड़ी में और देश के लिए हमेशा संघ का स्वयंसेवक तैयार रहता है हर सेवा करने के लिए। इसी कड़ी में जैसा कि अभी आपदा आई है कोरोना वायरस की, इसमें दिल्ली से बहुत सारे लोग पलायन कर रहे थे, जो यूपी के, बिहार के और बाहर प्रदेशों के लोग दिल्ली में रहते हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कोई रेहड़ी का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, जिनका कोई वेतन का साधन नहीं है, और सरकार की तरफ से जब उनको लगा कि कोई मदद नहीं मिल रही है, जैसा कि अन्य राज्यों में हुआ है, योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि गरीब लोगों को, बिना राशन कार्ड वालों को भी ये राशन घर घर पहुंचाया जा रहा है और उनको कैश सुविधा भी दी जा रही है, लेकिन जब दिल्ली में गरीब लोगों को ये लगा कि यहाँ कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं है, इस स्थिति में लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, हजारों लोग सड़कों पर उतर गए और यूपी की तरफ, बिहार की तरफ कूच करने लगे। ऐसे में संघ ने डिसीजन लिया कि भाई हम पूरे देश में जहाँ जो गरीब लोग हैं तो समस्या सबके साथ है कि भाई जो दिहाड़ी मजदूर है उनको भोजन कैसे पहुँचेगा, सरकारी तंत्र इतना नाकाफी है, कैसे लोगों को क्विक एक्शन में किया जाए, तो संघ ने तय किया कि हम घर घर तक इस राशन को पहुँचाएंगे और जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको तुरंत राहत देने के लिए भोजन वितरण की जिम्मेदारी सेवा भारती के माध्यम से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में एक साथ कर रहा है। और दिल्ली में भी हम लगभग 22,000 लोगों परिवारों तक ये भोजन वितरण करके सेवा भारती के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको, जिनको बीमारियां हैं आमतौर पर बुखार, जुखार या और कोई, उसके हमारी डॉक्टर की टीम भी, सेवा भारती की एम्बुलेंस मोहल्लों में जाती है और उनको, लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, हम आपकी हर मदद को तैयार हैं, आपको घर बैठे दो समय का भोजन और सूखा राशन भी उनको पहुंचाया है जिससे कि वो नाश्ता भी कर सकें, उनको दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती, ये सामग्री भी प्रत्येक परिवारों में पहुंचाने की जिम्मेदारी आरएसएस ने ली है। इसी कड़ी में आपने जैसा देखा कि यहाँ झंडेवालान मंदिर की समिति के साथ मिलकर के ये भोजन पैकेट होकर के पूरी दिल्ली में वितरण किया जा रहा है और ये वितरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये आवश्यकता समझी जाएगी। Thank you.